हेलो एवरीवन, दिस इज शोमाली एंड आज मैं आपको कुछ सुपर मैट लिपस्टिक के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस में भी मिलता है। और आप जैसे कि देखते हैं कि मैं कई सारे लिपस्टिक ट्राई करती रहती हूँ, तो ये मेरा नए एक रेंज का लिपस्टिक्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एंड उसका एक छोटा सा रिव्यू भी देना चाहती हूँ ताकि आपको पता चले कि वो सारे लिपस्टिक्स है कैसा, उसका प्राइस क्या है और कहाँ पर अवेलेबल है, तो ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए जो नए purple.com पे जो एक सुपर मैट लिपस्टिक के रेंज आए हैं, तो उनमें से मैं 10 लिपस्टिक्स लिए हैं और मैं चाहती हूँ वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना। और सारे शेड्स मैं अप्लाई करके भी दिखाऊंगी एंड अपने हाथ में स्वच करके भी दिखाऊंगी कि वो किस तरह से लगते हैं और कौन से स्किन टोन में कैसा लगेगा, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ ये सारे लिपस्टिक, ये है सारे के सारे स्टे कुर्की का। एंड आपको पता है कि मैं स्टे कुर्की के जो कॉस्मेटिक्स होते हैं वो काफ़ी सारे यूज़ करती हूँ, तो इसके बारे में मुझे नहीं लगता मुझसे अच्छा और कोई जानता है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ क्योंकि ये रिसेंटली मैंने लिया है। एंड मैट लिपस्टिक जैसे कि आप सभी का बहुत पसंदीदा एक लिपस्टिक है, मुझे हमेशा आप लोग पूछते रहते हैं कि मैट लिपस्टिक एंड मैट लिपस्टिक, क्योंकि बहुत कम ग्लॉसी लिपस्टिक आजकल लोग यूज़ करते हैं क्योंकि ग्लॉसी हमेशा ही रात को यूज़ किया जाता है, दिन के टाइम में इतना भी अच्छा नहीं लगता। अगर न्यूड शेड में है तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, वरना तो नहीं। तो इसलिए मैं अब देख सकते हैं कि मेरे लिप्स पे भी एक इन रेंज में से एक शेड है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये एक डार्क शेड में है। ये सारे शेड्स के बारे में आपको बताने से पहले मैं इसके बारे में कुछ बता दूं कि इसको आप क्यों यूज़ करेंगे एंड इसमें क्या है क्या नहीं है, तो ये सब चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ये अपनी स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ना इसका सेफ साइड होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये वीगन है और ये टॉक्सिसिटी फ्री है, यानी कि जितने भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो इस टे क्विकी के लिपस्टिक्स में ऐड नहीं किया हुआ है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पैराबिन, जो कि हम सभी जानते हैं कि पैराबिन एक कैंसरस होता है, वो एलर्जेटिक होता है, मतलब स्किन पे कई सारे प्रॉब्लम्स वो क्रिएट कर सकता है, तो ये पैराबिन फ्री भी है, तो इसलिए मैं स्टे क्विकी का जो लिपस्टिक है वो इतना प्रेफर करती हूँ। एंड ये जो मैट लिपस्टिक आप देख पा रहे हैं, तो मैट लिपस्टिक में भी ये लोग विटामिन ई ऑयल का इस्तेमाल करते हैं और विटामिन ई के बारे में तो मैं और क्या बोलूँ, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये स्किन ट्रीटमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है और कितना बेनिफिशियल भी है, तो ये स्किन को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाते। और इसका जो शेड है वो आप देख सकते हैं कि कितना डार्क आया है, तो जो भी आप देखेंगे उसका ही प्रॉपर कलर आपके लिप्स पे आएगा। बस ये है वो लिपस्टिक जो मैंने अप्लाई किए है और जब देख सकते हैं कि लिप्स पे जो भी जैसा लग रहा है और ये टोटली जो लिपस्टिक का स्टिक है ये भी देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है। और वैसे भी मैं आपको हाथ में भी स्वच करके आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी, ये बिल्कुल एक्यूरेट कलर आता है और इसमें कोई भी फर्क आपको नजर नहीं आएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं ये वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग एंड ट्रांसफर रेजिस्टेंट है, तो आपको कोई भी ऐसे इशू नहीं है कि आप रेन के सीजन में अगर बाहर जाते हैं तो, या ऐसा कहीं भी, मतलब आप स्विमिंग पूल में भी आप स्विम कर सकते हैं इस लिपस्टिक के साथ। और इसमें अगर आप ऐसे रब ना करें किसी से तो ये बिल्कुल नहीं हटेगा आपके लिप्स से। और इसको रिमूव करने का बस एक ही तरीका है, आप इसमें वेजलिन अप्लाई कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, या तो मेकअप रिमूवर ऑब्वियसली, तब तो कोई भी लिपस्टिक हो वो ऐसे ही रिमूव हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि मेरा जो स्किन टोन है इसके ऊपर भी ये कलर काफी मैच कर रहा है। और ये जो भी लिपस्टिक मैं आपको दिखाऊंगी इसका सारे जो शेड का नंबर है वो स्क्रीन पे आ जाएगा और उसके साथ साथ पूरा डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है विथ लिंक, अगर आप चाहे तो वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी एक के बाद एक मैं आपको सारे लिपस्टिक दिखाना चाहूंगी और हाथों में भी स्वच करके दिखाना चाहूंगी कि लिप्स हाथ और लिपस्टिक में जो कलर है वो सारे के सारे सेम है। तो ये जो शेड है ये भी एक न्यूड शेड में है और ऊपर से सुपर मैट, तो मुझे लगता है ये स्मोकी आई के साथ काफ़ी अच्छा लगने वाला है। एंड अगर आप चाहें तो इसके साथ एक आउटलाइन भी आप बना सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये आपकी चॉइस है, पर शेड है एग्जैक्ट ऐसा। तो ये है स्टिक, ये है मेरा और एक शेड जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर है, प्रॉपर टमाटो रेड जिसे कहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही कलर है। और ये जब मैट में है तो ये और भी अच्छा लग रहा है। और ये है स्टिक,
तो ये जो कलर है ये आप मतलब किसी भी ड्रेस के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, लाइक वाइट हो, मतलब कोई भी लाइट कलर का ड्रेस भी आप पहन सकते हैं या कोई भी डार्क कलर भी पहन सकते हैं, और हर एक ड्रेस के साथ ये बहुत अच्छा जाएगा और काफ़ी क्लासिक कलर है। एंड गाइस ये है मेरा नेक्स्ट शेड, और आप देख सकते हैं ये भी एक न्यूट शेड है और इस न्यूट शेड थोड़ा सा ज़्यादा लाइट है, एंड आई होप कि ये आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। और मेरे इस मेकअप के साथ भी, जैसे कि मैंने आई मेकअप किया है, ज़्यादा थिक आईलाइनर मैंने यूज़ किया है, तो उसके साथ ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये है इसका एक्चुअली स्टिक, और ये है वो स्टिक। इस शेड के साथ आप कोई भी ड्रेस पहन सकते हैं, लाइक जीन्स, कुर्ता, सलवार, साड़ी, स्कर्ट। ऑब्वियसली दिन के टाइम में ये ज़्यादा प्रेफरेबल है, पर अगर आप चाहे तो थोड़ा लाइट मेकअप या स्मोकी आई के साथ थोड़ा लाइट लिपस्टिक हो तो अच्छा लगता है, तो तब इस लिप्स शेड को आप यूज़ कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जब ये मैट नहीं हो तो ये और भी अच्छा लगता है। सो गाइज ये है मेरा नेक्स्ट शेड, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा पिंक, थोड़ा सा रेड, मतलब ऐसे कुछ मिक्स किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने दो कोट लगाए हैं। अगर आप एक कोट अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा न्यूट शेड में भी आप इसे गिन सकते हैं, मतलब इसे अगर आप हल्के से अप्लाई करते हैं तो ये न्यूट शेड भी बन सकता है। थोड़ा सा डार्क अब अप्लाई करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा मतलब ब्राइट दिखता है, राइट। ये डीप पिंक टाइप एक कलर है और इसका एक्चुअल कलर है ये आप देख सकते हैं। काफी अच्छा शेड है, मुझे तो बहुत पसंद है ये शेड, और इस रेंज में मैंने जितने भी शेड्स लिए हैं वो हर एक एक से बढ़कर एक है। एंड गाइस मेरा जो ये नेक्स्ट शेड है ये आप देख सकते हैं सुपर मैट मरून कलर, और ये कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड ऑब्वियसली ये साड़ी के साथ ज़्यादा अच्छा जाता है। एंड रात में मतलब नाइट पार्टी में, कोई भी पार्टी हो, आप इस लिप शेड को अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली मैं प्रेफर करूँगी साड़ी, क्योंकि साड़ी के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। और इसका जो एक्चुअल कलर है वो है ये। मेरा जो ये नेक्स्ट शेड है ये है डार्क पिंक, और इस पिंक को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ना ही न्यूड और ना ही ब्राइट कलर, पर इसे मैंने दो कोट में अप्लाई किया है। अगर एक कोट में आप अप्लाई करते हैं तो ये एक न्यूड शेड में भी आ सकता है। तो मतलब अब जब कोई नेचुरल मतलब बहुत ही कम लाइट मेकअप करना चाहते हैं तब आप इसे ज़रूर अप्लाई कीजिए, तो ये बहुत अच्छा जाएगा। और स्पेशली वाइट अगर ड्रेस पहनते हैं, वाइट या लाइट पिंक, तो उसके साथ तो ये साड़ी के सारे कलर से बहुत अच्छा जाएगा। तो ये जो मेरा शेड है ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बेबी पिंक कलर है, एंड आई होप के इसको आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि हर रोज़ अगर हम कॉलेज या जॉब, अगर हम अब जॉब करते हैं तो ऑफिस में जाना, ये सब जगह पर जाने के लिए ये सारे कलर्स बहुत अच्छा है। तो इसे मैं दिखा दूँ स्टिक में, सो गाइज ये जो शेड है ये भी रेड में है, और इस शेड को भी मुझे बहुत पसंद आया है, क्योंकि आजकल रेड का बहुत फैशन चल रहा है, तो मैंने सोचा कि इस रेंज में काफ़ी सारे रेड कलर्स थे, तो मैंने सोचा रेड में ही कुछ ले लेते हैं। थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा डीप, ऐसे सारे के सारे सेम नहीं है। नीचे जो स्क्रीन के नीचे जो नंबर्स आ रहे हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं, दिखने में भी थोड़ा एक जैसे लग सकता है, पर इसका जो नंबर्स है वो देख के आपको पता चलेगा कि हर एक शेड थोड़ा बहुत अलग है। तो इस तरह से इस रेड को भी मैंने नहीं छोड़ा, इसको भी मैंने ले लिया है मेरे शूटिंग पर्पस में, या जब भी मैं नाइट पार्टी वगैरह में जाती रहती हूँ तो तब ये सारे जो शेड्स हैं ये बहुत काम आने वाले हैं। और इसका जो एक्चुअल शेड है वो है ये,
एंड मेरा ये जो नेक्स्ट शेड है ये है थोड़ा ज़्यादा ही पिंक, मतलब पिंक और रेड के बीच का एक कलर होता है, ये है वो, और ये कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड जो इंडियन स्किन टोन है उसमें भी ये सारे कलर्स बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि इंडियन स्किन टोन थोड़ा सा डस्की होता है, और डस्की स्किन टोन में भी ये सारे शेड्स जो मैंने आपको दिखाए हैं वो बहुत अच्छा जाता है। तो इस हिसाब से आप अपने स्किन टोन के हिसाब से जो शेड्स है वो चूज़ कर सकते हैं। पर मेरे स्किन टोन पर अगर आप कोई भी हो तो आप तो देख ही चुके होंगे कि मेरे फेस पे ये सारे जो चीज़ें हैं वो कैसे लग रहे हैं, ये सारे शेड्स। तो इस हिसाब से भी आप अपने लिपस्टिक चूज़ कर सकते हैं। बस यही रीज़न है कि जो भी मैं लिपस्टिक लेती हूँ वो सारे चीज़ें स्क्रीन पे मैं आपको एक एक करके अप्लाई करके दिखाती हूँ, ताकि आप भी अपना जो लिपस्टिक का जो शेड्स है वो चुन सकते हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जब भी हम ऑनलाइन पर कुछ परचेस करने जाते हैं तब जो लैपटॉप के स्क्रीन या मोबाइल के स्क्रीन पे जो दिखाते हैं कलर, वो हमें समझ में नहीं आता कि मेरे स्किन टोन पे ऊपर ये कैसे लगेगा। तो बिल्कुल इसी तरह से मुझे भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है, पर जब कि मैं ये शूटिंग पर्पज़ में मैं ये सारे प्रोडक्ट्स लेती रहती हूँ तो मुझे इतना भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कोई भी शेड हो मैं अपने ड्रेसेस के साथ और सिचुएशन के पर्पज़ में मैं उसे अप्लाई कर लेती हूँ। तो इसी तरह से मैं हर एक शेड का इसलिए आपको रिव्यू देती हूँ और उसे इतने टाइम लेके उसे स्वच्छ करके भी आपको दिखाती हूँ लिप्स पे विथ हैंड पे, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और हमेशा आप भी इस तरह से लिपस्टिक चुनने में आपको इस तरह से हेल्प हो सके। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करना, और जब आपका फीडबैक मिलता है तब तो और भी अच्छा लगता है। तो इसे मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि ये कैसा लगेगा, एग्जैक्ट कलर है। एंड मेरा जो नेक्स्ट और लास्ट शेड है वो है और भी एक रेड, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बोला था कि एक भी रेड का शेड मैंने नहीं छोड़ा है इस रेंज में। जितना भी मतलब नए जो आए थे लिपस्टिक्स वहाँ पे जितने भी रेड थे वो सारे के सारे रेड मैंने ले लिए हैं। इस बार ने आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया होगा कि रेड के ऊपर भी कितने सारे शेड्स हो सकते हैं। मतलब रेड मतलब एक ही कलर ऐसा नहीं है, रेड में भी लाइट डीप ब्राइट डार्क इस तरह के कलर्स हो सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं हर एक रेड शेड्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे स्किन टोन में भी अच्छा लगता है। क्या है कि हम कितने खूबसूरत है या कितने खूबसूरत नहीं है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि कौन सा लिपस्टिक आपको अच्छा लगेगा। ये हमेशा डिपेंड करता है स्किन टोन के ऊपर, फिर मेकअप कैसे मेकअप लुक अप करते हैं उसके ऊपर, कभी कभी तो हमारा जो आउटफिट होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ये सारे शेड्स। तो आउटफिट तो मैं इस तरह से आपको चेंज कर करके नहीं दिखा सकती, पर मैं जब भी कोई लिपस्टिक का इस तरह से आपको स्वाच करके दिखाती हूँ, अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको, तब अलग अलग मेकअप के साथ दिखाती हूँ। कभी कभी तो मैं नॉर्मली दिखा देती हूँ, मतलब कोई भी मेकअप नहीं है मेरे फेस में उसके ऊपर भी मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे ब्लॉग में, जब भी कोई भी लिपस्टिक्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरह से आपको भी इतने दिनों से कुछ तो आइडिया हो गया होगा कि लिपस्टिक कैसा है और कौन से कलर कैसे मेकअप के साथ अच्छा लगता है या कैसे स्किन टोन के साथ। और जिनके स्किन टोन बहुत ज़्यादा फेयर है उनको तो सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उनके स्किन टोन पर हर एक शेड्स अच्छा लगेगा। पर जिनके स्किन टोन थोड़ा सा डस्की है लाइक मी, मुझे बहुत सोचना पड़ता है। एंड ये सारे शेड्स ऑब्वियसली ये सारे बाहर जाने के लिए ही है, और अब मैं दिखा दूँ इसे पास से। सो गाइज, इस तरह से स्टे क्विकी के सुपर मैट रेंज के जितने भी लिपस्टिक्स मेरे पास थे इस टाइम में, तो सारे के सारे मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। एंड इसका जो शेड्स है वो भी आप देख चुके हैं, इसका नंबर लिंक सारे के सारे चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आप में से कोई भी चाहे तो वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, जाके इसका प्राइस भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जो शेड्स है इसका अलग अलग से कुछ प्राइज होते हैं। जैसे इसमें इनमें से कुछ है 249 के, कुछ है 255 के, तो इस तरह के मतलब चलता रहता है। मतलब purple.com में काफ़ी सारे ऐसे डिस्काउंट चलता रहता है, तो इसका जो प्राइसिंग है इसके बारे में तो आपको वहाँ पे जाके चेक करना पड़ेगा। तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, तब अगर आपको सूटेबल लगे तो आप परचेस भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ से ही परचेस किया है। एंड हर एक शेड्स के बारे में मैं और तो कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि लीव शेड्स को लेकर जो भी था मेरे मन में, जो भी था मेरा ओपिनियन, वो सब कुछ मैं आपको बोल चुकी हूँ। इस तरह से अब अपने स्किन टोन के हिसाब से, आपके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से आप लिप शेड्स चुन सकते हैं, और मैट आपको अच्छा लगेगा या ग्लॉसी अच्छा लगेगा वो भी आप
खुद तय कर सकते हैं। जैसे कि मुझे तो मैट बहुत ज़्यादा पसंद है, और लास्ट जो भी जितने भी लिपस्टिक मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो सारे के सारे मैट में हैं। और कुछ है मेरे पास ऐसे ग्लॉसी, तो कभी आपको ग्लॉसी वाला भी मैं दिखाऊंगी, मतलब कुछ है। मैं ज़्यादा ग्लॉसी प्रेफर नहीं करती। रिसेंटली मैंने आपके साथ शेयर किए कि एक हादसा हो गया था मेरे साथ एक फाउंडेशन को लेके, तो उसके बाद मैंने बहुत सारे स्टडी किए, यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ देखे, उसके बाद मैं अपने स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन टीम ये सब चुनना सीख गई हूँ, और बहुत ही जल्द वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे ऐसे रिक्वेस्ट मेरे पास आ चुके हैं कि किस तरह के स्किन टोन में कैसे फाउंडेशन अच्छा लगेगा, ये हम कैसे चुने। घर में आने के बाद पता चलता है कि वो करेक्ट नहीं था। तो इस तरह से बीबी क्रीम एंड फाउंडेशन के ऊपर बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए वीडियो बनाने वाली हूँ, एंड ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें मैं ब्लॉग में इंक्लूड नहीं करने वाली हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो मैं अलग से वीडियो में बनाने वाली हूँ आप लोगों के लिए। तो आप में से जो भी इंटरेस्ट है वो वीडियो मेरा चेक कर सकते, बहुत ही जल्द वो आने वाले हैं। सो गाइज, इस वीडियो को भी मैं ये पे एंड करती हूँ, तो फिर मिलते हैं मेरे एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।